न खुदा मिला न विशाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे हम। जी हाँ दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। गुजरात चुनाव सामने है और गुजरात के पाटीदार समाज किसको अपना नेता माने? क्या वो केजरीवाल को अपना नेता मान ले? क्योंकि हार्दिक पटेल पहले कांग्रेस ज्वाइन किए, उसके बाद वो भाजपा में चले गए। पाटीदार समुदाय की जो मांग थी वो खटाई में पड़ गई और पाटीदार समुदाय और मुस्लिम वोट मिलाकर 20% वोट हो जाता है, जो कि ऑटोमेटिकली गिफ्ट के तौर पर केजरीवाल के सामने परोस दिया गया है। अब प्रश्न यह उठता है कि पिछली विधानसभा चुनाव जो गुजरात का था, बहुजन समाज पार्टी को 2 लाख से ऊपर वोट मिला था। और रही बात यह कि बसपा को 2 लाख से ऊपर वोट मिलता है और आम आदमी पार्टी को मात्र 24,000 वोट मिलता है, लेकिन आज गुजरात में केवल और केवल आम आदमी पार्टी दिख रही है। क्या गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम हमारे दर्शकों को पता है? हर राज्य के मुख्यमंत्री का आप नाम जानते होंगे, क्योंकि गुजरात के मुख्यमंत्री प्रभावी ही नहीं है, जनता के ऊपर उनका कोई प्रभाव नहीं है। और गुजरात चुनाव को लोग ये कह रहे हैं यह वाटरलू बनेगा, यानी नेपोलियन बोनापार्ट वाटरलू में जाके हार गया था। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं यह सिकंदर और पोरस का युद्ध जैसा होगा, या चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर का युद्ध जैसा होगा, क्योंकि सेल्यूकस निकेटर भी सिकंदर का सेनापति था जो हार गया था मगध में आकर। कहने का तात्पर्य यह है, गुजरात मॉडल को लेकर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे 2014 में और गुजरात उनके हाथ से खिसकता जा रहा है। जब काउंसलर का चुनाव हुआ सूरत में तो मात्र आम आदमी पार्टी 27 सीट ली और बीजेपी नंबर 1 पर रही, 90 की सीट करीब मिला था। और कांग्रेस ने एक लेफ्ट कॉर्नर की भूमिका निभा रही है, वो साइड होती जा रही है, बैकग्राउंड में जा रही है। ऐसा ना हो कि फ्रैक्चर्ड मैंडेट हो जाए। और यह भी हो सकता है कि जिस तरह केजरीवाल की 49 दिन की सरकार दिल्ली में थी पहली बार और कांग्रेस ने समर्थन किया था, कहीं गुजरात में भी ना ऐसी नौबत आ जाए कि आम आदमी पार्टी की सरकार बने और पीछे से कांग्रेस समर्थन करे। क्योंकि भाजपा कमजोर होती जा रही, भाजपा को यह समझ में नहीं आ रहा है केजरीवाल पर कैसे अटैक करें, क्योंकि केजरीवाल हनुमान चालीसा पाठ करते हैं, रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, मुस्लिमों के खिलाफ नहीं बोलते और पक्ष में भी बहुत ज्यादा इतना नहीं बोलते कि उन्हें यह कहा जाए ये मुस्लिम तुष्टिकरण का मामला है। दलित वोट बैंक, ओबीसी वोट बैंक और बाकी जो फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, जो परेशान है सरकार से, वो सब के सब अब केजरीवाल के पक्ष में आ रहे हैं। एक बात और जो निकल कर आई है इस चुनाव में, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2001 के बाद ओबीसी बने हैं, उससे पहले वो ओबीसी में नहीं थे। कहने का तात्पर्य है ओबीसी समाज को में एक समृद्ध जाति को इसलिए मिलाया गया ताकि राजनीतिक रूप से उनका इस्तेमाल किया जा सके, जो कि हो भी रहा है। ओबीसी में एक ऐसा तबका है जिसमें राजनीतिक रूप से काफी फर्टाइल लोग हैं, उनको राजनीतिक रूप से इस्तेमाल किया जाता है और यह कहा जाता है ये ओबीसी से आते हैं। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज की संख्या बहुत बड़ी हो जाती है और तमाम दल इन्हीं की बात करके राजनीति में अपनी रोटियां सेकते हैं। गुजरात में अब बातें विकास की हो रही है, गुजरात में बेरोजगारी की बातें हो रही है, जो बेरोजगार हैं अगर उनको नौकरी नहीं देंगे तो उनको वजीफा देंगे, ऐसी बातें केजरीवाल कर रहे हैं। और वहां पर स्कूल और अस्पतालों की बात हो रही है। जाहिर सी बात है आम जनता बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है। और पिछले कई चुनावों में गुजरात में 2 पार्टियां हुआ करती थी, कांग्रेस और भाजपा। भाजपा नंबर 1 पर होती थी और सेकेंड स्थान पर कांग्रेस। लेकिन यहां तो मामला ऐसा बनता जा रहा है जैसे कि मियां बीबी और वो तो काफी मजबूत हो चुका है।
कहने का तात्पर्य यह, अगर गुजरात का चुनाव आम आदमी पार्टी जीत लेती है तो आपके नजर में 2024 का लोकसभा चुनाव का सिनेरियो क्या होगा? और क्या वर्तमान में जो केंद्र की सत्ता है, जो केंद्र में सरकार बैठी हुई है, वह कौन सा मॉडल दिखाएगी? क्योंकि केजरीवाल तो यह कह देंगे कि दिल्ली मॉडल को गुजरात की जनता ने पसंद किया तो आप भी पसंद कीजिए, पूरे देश भी पसंद करे। पंजाब वो पहले से ही जीत चुके हैं। रही बात ये, पंजाब में भाजपा नहीं थी तो अकाली दल के वोट और कांग्रेस के वोट को काटकर आम आदमी पार्टी सत्ता में आ गई और कुछ एससी एसटी वोट भी काट लिया। केजरीवाल के साथ सॉफ्ट हिंदुत्व का भी कई बार आरोप लगा उनके ऊपर, लेकिन उनके ऊपर भाजपा कहां से अटैक करे, क्योंकि भाजपा के जो वोट है वो धीरे धीरे खिसकते जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी को शिफ्ट हो रहे हैं। जो लोग धार्मिक रूप से भाजपा में जुड़े होंगे वह धार्मिक रूप से जो है आम आदमी पार्टी में भी जुड़ सकते हैं। जो बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाना, यह आम आदमी पार्टी का मुद्दा है। छात्रों को कोचिंग दिलवाना, बेरोजगारों को रोजगार देंगे अन्यथा उन्हें वजीफा देंगे। और तो और, जितने भ्रष्ट लोग हैं उनके ऊपर आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? करप्शन एक मुख्य मुद्दा है आम आदमी पार्टी का, जो हमेशा बोलती है, हर जगह बोलती है। और भाजपा के ऊपर आरोप यह लग रहा है तो उन्होंने भ्रष्टाचार खत्म नहीं किया, अडानी के ऊपर इनडायरेक्टली अटैक करते हैं और अल्पसंख्यक समाज को लेकर चलते हैं, लेकिन भावनाओं में इतना नहीं बह जाते कि भाजपा को कोई मौका मिल जाए और ये कहें कि ये अल्पसंख्यक तुष्टीकरण कर रहे हैं, ये एससी एसटी को अपने आप जोड़ रहे हैं, जबकि जो शोषित वंचित समाज है जब उनके बीच जाते हैं, जैसे ऑटो ड्राइवर वालों के घर में बैठकर खाना खाना, उसको फोटो खिंचवाना और मीडिया में पब्लिश हो जाना, आप ये कह सकते हैं ये चुनावी ट्रिक है। लेकिन वह क्या कारण है कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज सबके सब आम आदमी पार्टी की तरफ झुक गए हैं? क्या सूरत के 27 काउंसलर इतना चिल्लाया, इतना हंगामा किया मात्र साल भर में, क्योंकि साल भर पहले ही चुनाव हुआ था, पूरे गुजरात में आम आदमी पार्टी फैल गई? या ये कह सकते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पैरों के नीचे प्लान बना दिल्ली में और प्रभावी हो गया गुजरात में? या ये कह लीजिए कि गुजरात का चुनाव ही आखिरी कील होगी इनके सत्ता का? ऐसे हालात बनते जा रहे हैं और ये चुनाव नहीं होगा, एक बहुत बड़ा परिवर्तन का संकेत होगा। पूरे गुजरात में और पूरे देश की निगाहें अब केजरीवाल के सामने टिकी हुई है कि या तो चुनाव ये जीतेंगे या इतनी बहुमत आएगी कि लबालब की स्थिति में हो जाएंगे। अगर दो दल मिल जाते हैं, गठबंधन में आ जाते हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, तो बीजेपी विपक्ष में होगी, ये आम जनता का अनुमान है, आकलन है और ऐसा ही दिख रहा है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यह चैनल आपका है। सच्ची घटना, सच्ची घटनाक्रम को हम लेकर आपके सामने आते हैं और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।